Hey guys, welcome to my channel Gomu Arts. If you like my video, please subscribe to my channel. So आज का वीडियो पूरा फिंगर से होने वाला है बिना किसी ब्रशेस यूज़ किए हुए. तो आज हमको मन किया फिंगर से करने का. तो देखिए गाइज फिंगर से कितने अच्छे से ड्राइंग पूरा हो रहा है. फिंगर्स से सारा कलर कितनी अच्छा से मेल्ट हो रहा है. सो पहले मैंने स्काई पे कलर अप्लाई करने स्टार्ट किया. ब्लू कलर मैंने लिया है जो कि पोस्टर कलर है. तो ब्लू कलर को लेकर के पूरा फिंगर से डिप करके पूरा अच्छा से अप्लाई किया. उसके बाद साइड का माउंटेन दिखाने के लिए ब्राउन कलर का यूज़ किया है. वही पोस्टर कलर ही मैंने यूज़ किया है. मुझे पोस्टर कलर बहुत पसंद है क्योंकि इसका कलर बहुत ज़्यादा डार्क होता है. उसके बाद पोस्टर कलर को मैंने इसी तरह फिंगर से डिप करके यूज़ किया है ब्राउन कलर से. अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और भी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए. और गाइस प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिएगा कि जिससे कि मुझे भी अच्छा लगे. इसके बाद वाटरफॉल के लिए मैंने फिर से स्काई कलर का ही यूज़ किया है. इसी तरह आगे फिंगर से डब डब करके पूरा वीडियो को ज़रूर देखिएगा. वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है गाइस. उसके बाद मैंने थोड़ा थोड़ा येलो का भी अप्लाई किया है माउंटेन के लिए. उसके बाद मैंने ग्रीन कलर का यूज करके ऊपर के एरिया पे ट्रीज दिखाने की मतलब देखी है. मुझे धीरे धीरे करके ट्रीज में भी डैब करके फिंगर से पूरा कलर मिक्सिंग कर हो रहा है. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा गाइस तो प्लीज़ शेयर करिए और भी अपने फ्रेंड्स दोस्तों के साथ. और भी हम अच्छा अच्छा वीडियो बनाएंगे. वैसे तो हम कुछ खास वीडियो अच्छा बनाते नहीं हैं, मतलब जो भी थोड़ा बहुत सीखे हैं वही बनाते हैं. अगर आपको इसी तरह सपोर्ट करिएगा गाइस तो और भी अच्छे अच्छे इंटरेस्टिंग वीडियोज बनाएंगे. वाटर दिखाने के लिए मैंने वाइट कलर को भी इसी तरह फ्लो करवाया है. और नीचे की तरफ भी वाइट कलर से डैब डैब करके वाटर दिखाया है. देखिए गाइस पेंटिंग अभी तैयार हो गया. मेरा फर्स्ट फिंगर पेंटिंग जो कि मैंने सिर्फ और सिर्फ फिंगर से किया है. अगर आपको ये पेंटिंग अच्छा लगा प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्लीज़ सारे वीडियोस को मेरे ज़रूर देखिएगा. थैंक यू गाइस.